Hello everyone, welcome back to this quick session of last minute revision on literature. I hope you all are doing well. The plan is aapko sab kuch provide karwana hai. You have your exam tomorrow. I don't want ki kisi ko bhi aisa lage ki ma'am aapne ye nahi karwaya. So I'm trying my best to support you in and out. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. ऑलरेडी मैं फ्लेमिंगो वाला जो लेसन्स थे वो अपलोड कर चुकी हूँ एंड इन दिस वीडियो मैं आपको पोम्स और विस्टास के जो दो लेसन्स हैं उनकी रिविजन करवाऊंगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम क्विक पॉइंट्स. तो अगर आपने लेसन डिटेल में पढ़ लिया है सो दिस कैन बी अ रिविजन, जल्दी से रिवाइज कर लेना क्या है लेसन में, क्या क्या चीज़ें हैं. और अगर आपने नहीं पढ़ा है देन दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मतलब इसको मत छोड़ना प्लीज, ठीक है. लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड. ऑल राइट, ओके, स्टार्टिंग विद इट. वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट द लेसन थर्ड लेवल, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो रहे हैं फ्रॉम द स्टोर लाइक फ्रॉम विस्टास. ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज होते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स गेट स्टार्टेड. इन न्यूयॉर्क द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ टू लेवल्स. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है एक, वहाँ के कितने लेवल्स हैं? टू लेवल्स हैं, लेवल वन और लेवल टू. अब बात क्या है कि चार्ली जो 31 ईयर्स ओल्ड है, सिटी रेजिडेंट है, वो ये कहते हैं कि मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल देखा है. ओके, ठीक है. सो वो ये कहते हैं मैंने थर्ड लेवल देखा है, और मतलब हर एक इंसान को पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ दो ही लेवल है, तो ये थर्ड लेवल आया कहाँ से? और सिर्फ यही नहीं, चार्ली सिर्फ यही नहीं बोलता कि वहाँ पे तीन लेवल है. चार्ली इवन एड्स ऑन यू नो सम ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट थर्ड लेवल, के थर्ड लेवल में ऐसा है, ऐसा है, कुछ अलग ही है ये थर्ड लेवल. सो लेट्स सी कि क्या ये सिर्फ चार्ली की हेलुसिनेशन है या रियलिटी में ऐसा कुछ हो गया है जो थर्ड लेवल आ गया है वहाँ पे एकदम से, मैजिक हो गया. ऑल्सो ही क्लेम्स दैट ही हैज़ बीन देयर. सो वो सिर्फ ये नहीं बोलता कि वहाँ पे थर्ड लेवल है, वो बोलता है मैं भी वहाँ पे गया हूँ. To talk about this problem, he visits a psychiatrist friend. So उसका एक friend था, psychiatrist था जो Sam. He decided कि मैं Sam से जाके मिलता हूँ और उससे बात करता हूँ. ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मुझे लग रहा है कि Grand Central Station पे तीन levels हैं. मुझे लग रहा है मैं Grand Central Station के third level पर गया हूँ. But everybody around is saying नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं. So I'm confused. इसीलिए वो अपने psychiatrist friend से जाके मिलता है. He calls it a walking dream wish fulfillment. सैम उसे क्या बताता है? ये जो तुम्हारे साथ अभी हो रहा है ये क्या है? दिस इज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. मतलब ही एक्चुअली एक्सप्लेन्स इट टू चार्ली दैट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसे कह सकते हैं वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. मॉडर्न वर्ल्ड में कह सकते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा टेंशन है, इतने ज़्यादा डर, इनसिक्योरिटीज़ हैं, वॉर है, वरीज हैं, इस सब से अपने आप को तुमने बचाने के लिए, अपने आप को यू नो संभाल के रखने के लिए, अपने आप को सेफ सिक्योर रखने के लिए तुमने क्या किया? तुमने अपने लिए एक एस्केप का तरीका निकाल लिया, ठीक है. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद यू एंड एवरीबडी वांट्स टू एस्केप टू सम टेम्प्ररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी. दिस इज द रियलिटी. हम सब चाहते हैं कि हम ऑलमोस्ट एवरीबडी इज यू नो इरिटेटेड फ्रॉम द प्रेजेंट, फ्रॉम द थिंग्स विच इज़ हैपनिंग विद द पर्सन पर्टिकुलरली. और हमें हमेशा लगता है कि अगर वैसा हो जाएगा तो एवरी थिंग विल बी परफेक्ट. सो वी ऑल हैव दैट यू नो एरिया जहाँ पे हम जाके एस्केप करना चाहते हैं, अपने आप को एक रिफ्यूजी ढूंढना चाहते हैं, रियलिटी से बाहर निकलना चाहते हैं, राइट. एज फॉर हिम हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्शन इज एन इंडिकेटर ऑफ दिस एस्केप. जो उसकी हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर. That is also an indicator कि वो escape कर रहा है. At times the Grand Central Station seems like a maze to Charlie. Maze मतलब एक एक तरह से भूल भुलैया बन गई अब चार्ली के लिए.
चार्ली को दुनिया समझा रही है वहां पे दो लेवल है, लेकिन उसने थर्ड लेवल एक्सपीरियंस करा, उसको नहीं पता वो कहाँ से निकल के आ गया थर्ड लेवल, उसको नहीं पता कि वो सब कैसे हो रहा है या सबको क्यों लग रहा है कि वो गलत बोल रहा है, बट ही फील्स दैट क्या है यार सब कुछ में, सब कुछ आस पास। ठीक है, वेल टेकिंग द सबवे अर्लियर ही हैड लॉस्ट हिज वे अ कपल ऑफ टाइम्स। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था कि वो बोल रहा मैंने थर्ड लेवल देखा है, इससे पहले कई बार ऐसा हुआ था कि वो अपना रास्ता भूल जाता था, कहीं जाना होता था कहीं और पहुंच जाता था। ठीक है, तो वो ये उसके साथ हो चुका था। वेल टेकिंग द सबवे अर्लियर ही हैड लॉस्ट हिज वे अ कपल ऑफ टाइम्स। वन टाइम ही एंटर्ड द लॉबी ऑफ द रॉजवेल्ट होटल। एक बार इवन क्या हुआ था, वो रॉजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया था, घुसा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में और निकला कहीं और से। वाइल द अदर टाइम ही अपीयर्ड एट एन ऑफिस बिल्डिंग दैट वॉज 3 ब्लॉक्स अवे। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 3 ब्लॉक्स अवे थी, वो उस ऑफिस की लॉबी में पहुंच गया। मतलब ये सारी गड़बड़ उसके साथ पहले से ही हो रही थी ना। सो इस सब की वजह से ही वॉज ऑलरेडी वेरी कंफ्यूज कि चल क्या रहा है। एंड देन मतलब अब कोई विश्वास भी नहीं कर रहा। एक तो मैं, अब इमेजिन करो आप कुछ ऐसी अजीब अजीब सी चीजें देख रहे हो, आप खुद ही परेशान हो जाओ कि मेरे साथ चल क्या रहा है, मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। ऊपर से कोई बिलीव भी नहीं कर रहा, लाइक एवरीबडी अराउंड इज सेइंग कि चार्ली के साथ कोई गड़बड़ हो गई है। साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने भी कह दिया दैट यू आर एक्चुअली डे ड्रीमिंग। तो इस सब की वजह से बिल्कुल परेशान। वन टाइम ही एंटर द लॉबी डन। हाँ, हाउएवर दिस टाइम ही लूजेस हिज वे एंड सम टाइम यूनिक अकर्स, समथिंग यूनिक अकर्स। हर बार वो खो जाता था, हर बार वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता था, बट इस बार कुछ अजीब सा हुआ। वो रास्ता तो खोया अपना, बट वो कोई अलग सी जगह पे, एक यूनिक जगह पे पहुंच गया। चार्ली विजिट्स द थर्ड लेवल। चार्ली पहुंचा थर्ड लेवल पर, विजिट्स द थर्ड लेवल। लेट्स सी। ओके, इन द साइलेंट हॉलवे चार्ली कीप्स वॉकिंग। एक बिल्कुल साइलेंट जगह थी जहाँ से वो निकल रहा था, ही वॉज वॉकिंग, और मतलब उसको बहुत अजीब लग रहा था, बट ही वॉज यू नो कंटिन्यूसली वॉच वॉकिंग, टर्निंग लेफ्ट एंड देन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। सो उसने लेफ्ट टर्न लिया और फिर ऐसे नीचे को हल्का सा स्लैंट होता हुआ रास्ता जा रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे नीचे को रास्ता जा रहा था अंटिल ही टचेस एन आर्किटेक्चरली ओल्ड स्टेशन। ऐसे नीचे मतलब लेफ्ट को जैसे ही टर्न किया, ऐसे थोड़ा सा स्लोप था, और जैसे ही वो नीचे पहुंचा तो वो क्या देखता है, एक आर्किटेक्ट ओल्ड स्टेशन। मतलब जो उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 1 या 2 में देखा, वैसा कुछ तो यहाँ पे था ही नहीं। सब कुछ ओल्ड स्टाइल, सब कुछ बिल्कुल पुराने तरीके जैसा, सब कुछ अमेजिंग, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 2 फेमिलियर लेवल्स। मोर ओवर दिस ओल्ड स्मॉल रूम विथ फ्यूअर टिकट काउंटर्स, ट्रेन गेट्स, अ वुडन इंफॉर्मेशन बूथ, वेवरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स एंड ब्रास बटन्स। मतलब सब कुछ अमेजिंग था। जैसे हम देखते हैं ना, हमारी जो अभी लाइफ स्टाइल है या जो लाइफ है, उससे फार बेटर लाइफ थी जब हमारे पेरेंट्स छोटे थे। दे हैड सो मच फन, दे डिड नॉट हैव एनी टेंशंस। अब तो छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं कौन सी टेंशन होती है, दे इवन डोंट नो। सो समथिंग सिमिलर टू दिस राइट नाउ चार्ली इज टॉकिंग। वो कहता है कि बिल्कुल पुराने जैसा मुझे लगा, जैसे पहले बिल्कुल कम टिकट काउंटर्स होते थे, बहुत ही कम ट्रेन गेट्स हैं, वुडन इंफॉर्मेशन बूथ्स हैं, मतलब सब कुछ वुडन मेड है, सब कुछ ओल्ड स्टाइल, सब कुछ वो वाइब्स दे रहा था कि वो पीछे चला गया, पास्ट में चला गया। ऑल दिस रिमाइंडेड हिम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ 1800s। उसको याद आ रहा था कि 1800 में ऐसा आर्किटेक्चर होता था, ये यहाँ पे कैसे आ गया। फर्दर ही सीज पीपल इन आउटडेटेड आउटफिट्स। तो सिर्फ यही नहीं था जो वो आर्किटेक्चर में ही देख रहा था, मतलब वहाँ के जो सारी बूथ्स थे और ये सब ही नहीं थे अजीब, वहाँ के लोग भी बहुत अजीब थे।
वहां पे जो भी लोग थे उन सबने भी आउटडेटेड आउटफिट्स पहने हुए थे, वो पुराने जमाने वाले, वो खुली पैंट जैसे, वो बाय द वे फैशन गेट्स रिपीट, जो पहले खुली पैंट्स चलती थी पुराने जमाने में वो अब दोबारा चलती है, बट उस टाइम मतलब आप देखोगे तो किसी को बोलोगे ना कि हाँ ये पुराने टाइम की जैसे पहले होती थी, सेम काइंड ऑफ लाइक ही वॉज ऑल्सो गेटिंग सम वाइब्स के हाँ ऐसा होता था ऐसा, हाँ सेम सब कुछ पुराना स्टाइल में, ही वॉज गेटिंग हैप्पी विद दैट, बट अगेन उसके साथ साथ उसकी कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही थी कि एग्जैक्टली करूँ क्या मैं इस सब में. वेन ही नोटिस द डेट इन द न्यूज़पेपर, फिर उसने डेट नोटिस करी न्यूज़पेपर पे, क्या डेट लिखी हुई थी, हेडिंग दी हुई थी द वर्ल्ड, और उस पे डेट गिवन थी 11th जून 1894. वेन ही ट्राइज टू बाई टू टिकट्स ही रियलाइज दैट ही नीड्स ओल्ड करेंसी. तो 1894 यहाँ पे डायरेक्ट एक मैसेज दे रहा है कि वो पास्ट में आ चुका था क्योंकि उसने न्यूज़पेपर पे डेट देखी. फिर उसे लगा कि नहीं शायद से ये मेरे ही मतलब मुझे ही गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा. तो वो टिकट काउंटर पे जाता है, टिकट काउंटर पे जब वो गेल्सबर्ग की टिकट पूछता है तो उसे पता चलता है क्या करेंसी मेरी वाली नहीं चलेगी, ये कल तक तो चल रही थी. क्योंकि वो अपनी हेलुसिनेशन में लेवल 3rd पर पहुंच चुका है, क्योंकि वो सब कुछ वो पुराने टाइम जैसी शांति, पुराने टाइम जैसा डिसिप्लिन, पुराने टाइम जैसा स्टाइल नोटिस कर रहा था अपने आसपास. इवन कनेक्टेड इट विद द करेंसी, करेंसी भी वहाँ पे ओल्ड स्टाइल की चल रही थी. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्रैवल गेल्सबर्ग, उसका हमेशा से विश थी कि मैं गेल्सबर्ग जाऊँ कभी, क्योंकि उसको पता मतलब उसने सुना था कि गेल्सबर्ग में बहुत शांति, मतलब जो हमने अपने बचपन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होता है, हमें हमेशा लगता है कि ये बेस्ट प्लेस है, हर जगह मीन्स जगहें बदलती रहती है ना बाय द टाइम. जहाँ पे हम अभी रहते हैं, अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछे 10 ईयर्स बैक ये लोकेलिटी या ये एरिया ऐसा शायद से नहीं दिखता था, है ना. बट अब चार्ली के दिमाग में बिकॉज ऑफ ऑल द टेंशंस एंड फियर्स ऑफ प्रेजेंट, उसके दिमाग में था कि मेरे को गेल्सबर्ग जाना है, गेल्सबर्ग बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही शांत है, मैं अपनी वाइफ को लेके जाऊंगा वहाँ, लिसा को लेके जाऊंगा. अब क्योंकि वो ओल्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच चुका था तो उसने सोचा टिकट भी पूछ ही लेता हूँ लगे हाथ. बैक इन इन हिज हेड इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, मतलब जो उसने छोटे होते हुए शायद से सुना था वो अभी तक उसके दिमाग में बात स्टेबल है कि एक वंडरफुल टाउन है गेल्सबर्ग, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बड़े बड़े फ्रेम बने हुए घरों पे वो है, सब घरों पे ह्यूज लॉन्स हैं, ट्रिमेंडस ट्रीज हैं, और सब कुछ ही बहुत अच्छा है. सो एनी हाउ ही वॉन्टेड टू गो देयर. द प्लेस हैज प्लीजेंट एंड लॉन्ग समर डस्क एंड वेयर पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम, मतलब उस टाइम पे डेफिनेटली लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता था, तो उसको ये भी था कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा थोड़ी रिलैक्सेशन होगी, कम भाग दौड़ होगी, शांति होगी, पीस होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, फियर नहीं होगा कि वॉर हो सकता है, कुछ हो सकता है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो मुझे गेल्सबर्ग जाना है. हेंस द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच, अब क्योंकि चार्ली ने ट्राई किया अपनी न्यू करेंसी से, और जो वहाँ पे जो टिकट काउंटर पे जो भी इंसान था उसने बोल दिया ये कौन सी करेंसी दे रहे हो, ये करेंसी है ही नहीं, तुम्हें तो ओल्ड करेंसी दिखानी पड़ेगी ना, है ना. सो ही सिंपली सेड के मुझे ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, नहीं लाओ. फिर इवन दैट द पर्सन हु वाज देयर ऑन द टिकट काउंटर ही इवन डाउटेड ऑन चार्ली, उसको डाउट हुआ चार्ली पे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है ये, मुझे क्या मतलब कहीं धोखा वोखा देने वाला हो, चोरी वगैरह कर रहा हो, कुछ गड़बड़ लग रही है. सो ही वॉज लाइक नहीं तुम चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस बुला लूंगा. एंड देन विद दैट चार्ली गॉट एफ्रेड और वो वहाँ से निकल गया. नेक्स्ट डे अब उसके दिमाग में गेल्सबर्ग की बातें और ज़्यादा घूम रही थी, उसके दिमाग में 3rd लेवल की जो क्यूरोसिटी थी 3rd लेवल पे पहुंचने की वो और ज़्यादा बढ़ गई थी. उसने नेक्स्ट डे क्या किया, उसने अपनी $300 एक्सचेंज करवा लिए ओल्ड करेंसी के लिए, मतलब उसको $200 एक्स्ट्रा पे करने पड़े ताकि वो उसे ये करेंसी ओल्ड करेंसी मिल जाए. इन एडिशन द अमाउंट डज नॉट बॉदर हिम एज ही बिलीव्स दैट एवरीथिंग देयर विल बी चीपर. फिर भी उसे ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, उसको फालतू पैसे भरने पड़े, उसको लग रहा था
उसको लग रहा था कि भाई सब कुछ तो यहाँ पे सस्ता ही, वहाँ पे सस्ता ही होगा तो मेरा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर ही कुड नेवर अगेन फाइंड द कॉरिडोर दैट लीड्स हिम टू द थर्ड लेवल। अब उसने ड्रीम्स तो बहुत सारे देख लिए, मनी एक्सचेंज कर ली, सब कर लिया, बट वो कभी थर्ड लेवल पे दोबारा पहुंच ही नहीं पाया। और इसी के बाद उसने सबको बताया कि भाई मैंने थर्ड लेवल देखा है, मैंने थर्ड लेवल देखा, कोई मेरा विश्वास करो, मुझे थर्ड लेवल पे जाना है, मुझे गेट्सबर्ग जाना है। बट किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। ऑब्वियसली सबको पता था दो ही लेवल है, थर्ड लेवल आया आएगा कहाँ से। कभी कभार जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, या अगर हम प्रेजेंट में इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं ना, हम अपनी ड्रीम लैंड में ही पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करने लग जाते हैं। डिटेल्ड सपने होते हैं ये, ठीक है। तो वो एक डिटेल्ड सपना देखा था चार्ली ने भी। हाउएवर ही कुड नेवर अगेन फाइंड द कॉरिडोर दैट लीड्स हिम टू द थर्ड लेवल। व्हेन हिज वाइफ केम टू नो अबाउट दिस, शी आस्क हिम टू स्टॉप लुकिंग। सो जब उसकी वाइफ ल्यूसा को पता चला कि चार्ली ऐसे कोई थर्ड लेवल के चक्कर में परेशान हो रहा है, शी इवन सजेस्टेड कि प्लीज मत परेशान हो, कोई ऐसा थर्ड लेवल नहीं है, मत ढूंढो कुछ कुछ, मतलब कोई ऐसा थर्ड लेवल है ही नहीं जो आप ढूंढ रहे हो। अनएक्सपेक्टेडली हिज फ्रेंड सैम, अनएक्सपेक्टेडली जो उनके फ्रेंड थे सैम, उन्होंने क्या किया, उनके फ्रेंड सैम ने एक दिन गायब हो गए, मतलब डिसअपीयर्ड। एंड हिज वाइफ कीप्स ऑन लुकिंग फॉर हिम फॉर इन द वीकेंड्स। अब सैम एकदम से गायब हो गया तो चार्ली को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। ऑलरेडी चार्ली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और इस मेस में पड़ा हुआ था वो ऑलरेडी, तो उसको समझ तो आ ही नहीं रहा था कि चल क्या रहा है। ऊपर से सैम भी गायब हो गया अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, मोर ओवर सैम वॉज द वन हुम चार्ली शेयर्स हिज आइडिया अबाउट गिल्सबर्ग। अब सैम ही एक इकलौता इंसान था जिसके साथ चार्ली ने अपने आइडियाज सारे शेयर किए थे कि मैं अगर गेल्सबर्ग जाऊंगा ना, मैं ये ज़रूर करूंगा, बहुत अच्छी जगह है वो, तुम्हें भी जाना चाहिए। दो सैम वॉज अ साइकाट्रिस्ट, सैम भी फंस गया बातों में, मतलब सैम इवन स्टार्टेड हेलिसिनेटिंग। ओके, सैम इवन स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट अभी बताते हैं। एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। आई जस्ट शेयर्ड विद यू दैट चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन का शौक था। इवन इट वॉज अनदर वे फॉर हिम टू हेलुसिनेट फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब टू एस्केप हिमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड हेलुसिनेट, है ना, फॉर अ बेटर वर्ल्ड। सो चार्ली वॉज इनहेरिटेड वॉज चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। उसको थर्ड लेवल का कुछ सोल्यूशन मिल नहीं रहा था, लीसा भी मना कर रही थी, सब कुछ वैसे ही मैसअप तो हो ही चुका था। उसको भी नहीं मिला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल, उसको मिल भी नहीं रहा था, तो उसने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया ये सब करना। और ये जो उसकी हैबिट, मतलब ये जो हॉबी थी उसकी स्टैम्प कलेक्शन की, वो इनहेरिट हुई थी उसके ग्रैंड फादर से, मतलब उसके ग्रैंड फादर भी अपने टाइम पर स्टैम्प कलेक्शन करते थे। एंड सम डे वाइल लुकिंग एट द स्टैम्प कलेक्शन, एक दिन वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, चार्ली फाइंड्स अ लेटर। चार्ली को एक लेटर मिला, वॉज अर्लियर नॉट देयर, जो वहाँ पे पहले नहीं था। अब यहाँ पे एक टॉपिक की बात हुई है, दैट इज फर्स्ट डे कवर। तो फर्स्ट डे कवर, जो भी स्टैम्प कलेक्शन की जिनकी भी हॉबी होती है, दे जनरली यू नो टेक फर्स्ट डे कवर्स। मतलब अब स्टैम्प ऐसे रखेंगे, अगर सिर्फ स्टैम्प रखेंगे तो वो उसको उसकी कोई मेमोरी नहीं होगी कि वो उन्होंने कब लिया था, क्या हुआ था उसके पीछे। सो व्हाट दे यूज़ टू डू, मतलब स्टैम्प कलेक्शन जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ही लेटर भेज देते हैं उस न्यू स्टैम्प के साथ। जिस दिन वो स्टैम्प लॉन्च हुआ उसी दिन उस स्टैम्प के साथ अपने आप को लेटर भेज दिया। अब वो मेरे पास लेटर आया, स्टैम्प तो है ही, साथ में वो डेट का मार्क लग गया वो किस दिन आया। सो दैट इज़ हाउ नाउ दिस इज़ नोन एज फर्स्ट डे कवर। और फर्स्ट डे कवर्स हमेशा खाली होते हैं, क्यों, डेफिनेटली मैं अपने आप को भेजूँ, मैं कभी उसे खोलूंगी नहीं, मेरे पास स्टैम्प आ गया, मेरे पास उसकी डेट नोटेड आ गई कि किस दिन पब्लिश हुआ था, दैट्स इट, ठीक है। बट यहाँ पे चार्ली के केस में कुछ अलग हुआ, उसे एक फर्स्ट डे कवर मिला जो उसने पहले कभी अपनी जो कलेक्शन थी उसमें नहीं देखा था,
ऑल्सो इट हैज द पोस्ट मार्क ऑन अ फेडेड 6 सेंट स्टैम्प विद अ पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड. फर्दर द एनवेलप रेड एज 18 जुलाई 1894, सेम डेट. ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू वाइज. सो ये सेम डेट थी जिस जो उसने ग्रैंड सेंट्रल थर्ड लेवल पे भी देखी थी, है ना, और जो अब दोबारा इस लेटर पे भी है. टू चार्लीज ग्रैंड फादर इन गेल्सबर्ग, जो कहाँ से आई थी, लिखा हुआ था चार्ली के ग्रैंड फादर गेल्सबर्ग से, और उस पर एड्रेस किसका गिवन था, चार्ली का. तो चार्ली को समझ नहीं आया ये क्या चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी चल रही है, नाम से ग्रैंड फादर के है, आया मेरे एड्रेस पे है क्या ये सब. इन द लेटर सैम टेल्स चार्ली दैट ही हैज रीच्ड गेल्सबर्ग. सैम ने लेटर में क्या लिखा चार्ली को, कि मैं गेल्सबर्ग पहुंच चुका हूँ. ही इन्वाइट्स चार्ली एंड लूसा देयर, उसने चार्ली और लूसा को इन्वाइट करा. आफ्टर गोइंग टू स्टैम्प एंड कॉइन शॉप ही गेट्स टू नो दैट सैम एक्सचेंज $800 फॉर ओल्ड करेंसी बिल्स टू एस्टैब्लिश हिज बिजनेस इन गेल्सबर्ग. जब चार्ली स्टैम्प कलेक्शन स्टॉप पे, मतलब कॉइन एक्सचेंज करने के लिए जब गए वापस, तो उन्हें पता चला कि जो सैम है उन्होंने $800 एक्सचेंज करे हैं किस लिए, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए गेल्सबर्ग में. बिसाइड सैम वॉज नन अदर देन चार्लीज साइकाइट्रिस्ट. इसके बावजूद, मतलब चार्ली चार्ली के साइकाइट्रिस्ट थे सैम, वही सैम खुद गेल्सबर्ग पहुंच चुके हैं पास्ट में. कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, अच्छा ये स्टोरी सुन के ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं, आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट. स्टोरी को रखा ही उस मोड में गया कि कन्फ्यूजन, कि अच्छा ये नहीं है, अच्छा ये नहीं है. सो द कंक्लूजन इज, थ्रू द थर्ड लेवल द राइटर वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड टू पीसफुल एंड क्वाइट ओल्ड टाइम्स. यही शो हुआ है, यही रिप्रेजेंट हुआ है. एट द एंड सैम ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड इन दैट यू नो वेब that he wanted to escape from the insecurities, fear of present, and he wanted to go to the peaceful place like Galesburg. That's it for now with the story. Let's continue with another story, one of my favorite stories, The Enemy. I hope you know who's this enemy. The enemy is Dr. Sadow. No, it's that American soldier whose name was Tom. Sadow, a Japanese surgeon, Sadao, a Japanese surgeon, finds a wounded American soldier on the beach near his house. अब सडाओ जो एक अमेरिकन, एक जापानी सोल्जर थे, उस टाइम पे जापान और अमेरिका के बीच में बहुत ही बड़ा वॉर चल रहा था. क्या देखते हैं वो, कि एक घायल wounded अमेरिकन सोल्जर उनके बीच, मतलब बीच के बिल्कुल उनके घर के पास आ जाता है बीच से, ठीक है. He is unable to throw him back, though he was his enemy. हालांकि वो इंसान उनका एनिमी था, बट वो उसको बीच में वापस फेंक नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो डॉक्टर सडाओ थे, he was like somebody जो अपने नेशन की और अपने प्रोफेशन की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं. सो अब एनिमी तो है, नेशन का एनिमी है तो मेरा एनिमी है, लेकिन क्योंकि ये वाउंडेड है, क्योंकि ये एक पेशेंट है, तो डॉक्टर कैसे उसे फेंक सकता है वापस, राइट. एज ही वॉज अ डॉक्टर एंड हिज फर्स्ट ड्यूटी वॉज टू सेव अ लाइफ. बिना सोचे समझे कि ये एक एनिमी है, उसकी फर्स्ट ड्यूटी ये थी कि वो उस एनिमी की या उस वाउंडेड इंसान की लाइफ बचाए. टू यू नो हिज फर्स्ट ड्यूटी वॉज टू सेव हिज लाइफ, है ना. हिज वाइफ दो इनिशियली रिलक्टेंट, बिकॉज इट वॉज अ डेंजरस फॉर ऑल इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन टू कीप द एनिमी इन द हाउस. डेफिनेटली बहुत ही रिस्की स्टेप था सबके लिए, एक एनिमी को अपने घर में बुलाना, बच्चों के लिए भी इवन बहुत ज़्यादा रिस्की था, है ना. और डॉक्टर सडाओ के जो बच्चे थे उनकी भी लाइफ रिस्क पर थी, तो इसीलिए पहले तो, है ना, डॉक्टर सडाओ की वाइफ मना कर रही थी स्ट्रिक्टली कि नहीं, ये एनिमी हमारे घर नहीं आ सकता. बट देन शी अग्रीड अगेन, क्योंकि डॉक्टर सडाओ की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी लाइफ सेव करना. जॉइंस हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग. डॉक्टर सडाओ खुद अकेले नहीं ऑपरेशन कर सकते थे, देर आर सो मेनी थिंग्स
इन विच ही रिक्वायर्ड समबडी टू असिस्ट. सो उन्होंने हेना को अपना असिस्टेंट बना लिया, काइंड ऑफ नर्स बना लिया ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन. तो वो तो अपनी सीरियसनेस के साथ ऑपरेशन कर रहे थे, बट हेना हो रही थी परेशान. डॉक्टर जडाओ एक्चुअली भूल गए थे कि हेना ने तो कभी ऑपरेशन होता हुआ नहीं देखा ना इतने क्लोज से. हेना वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल, शी वेंट यू नो टू द बालकनी एंड शी स्टार्टेड वॉमिटिंग. और फिर उस मोमेंट पे डॉक्टर सडाओ वॉज अनहैप्पी, वॉज एंग्री ऑन दिस ऑन द पेशेंट एक्चुअली, कि इस एनिमी के चक्कर में मुझे अपनी वाइफ को बाहर छोड़ना पड़ रहा है, मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ दिस एनिमी, ऑल बिकॉज ऑफ दिस एनिमी. सो डॉक्टर सडाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था एनिमी पे, बट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी कवर फुलफिल करना चाहते थे, है ना. नर्सिंग द एनिमी सोल्जर बैक टू हेल्थ इवन दो द सर्वेंट्स डिजर्ट द हाउस. इवन सर्वेंट्स ने घर छोड़ दिया, सर्वेंट्स ने कह दिया नहीं आप अमीर हो, शायद से आप बच जाओ, पुलिस आपको कुछ ना कहे, हम जो गरीब हैं, हम सर्वेंट्स, हम फंस जाएंगे. अगर आप किसी एनिमी की हेल्प करना चाहते हो तो करो, लेकिन हम उस घर में नहीं रहेंगे जहाँ पे लोग एनिमी की हेल्प करते हैं. सो दे सेड दिस, उन्होंने सारे जो सर्वेंट्स थे, गार्डनर थे, कुक थे या केयर टेकर थे, इन सब ने बात करी एक दूसरे से और एक साथ छोड़ दिया. अब हेना पे था डबल बर्डन. फर्स्ट उसे बच्चों का ध्यान रखना है, सेकेंड मतलब बच्चों का ध्यान रखना है, घर का काम करना है, सेकेंड शी इवन हैड टू सपोर्ट डॉक्टर सडाओ. यू नो आफ्टर ऑपरेशन ऑल्सो देर आर सो मैनी थिंग्स टू डू, सो मैनी फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. सो इट वॉज हेना हु वॉज डूइंग ऑल दैट. हेना असिस्ट डॉक्टर सडाओ इन ऑपरेटिंग द सोल्जर इन स्पाइट ऑफ हर फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड हेजिटेशन. हालांकि वो फिजिकली डिस्कम्फर्ट थी, नहीं चाहती थी वहाँ पर बैठना, कम्फर्टेबल नहीं थी, हेजिटेशन थी उनमें. शी डिड नॉट यू नो शी इज नॉट ओके टू सी एन ऑपरेशन इन फ्रंट ऑफ हर, बट देन ऑल्सो शी रेजिस्टेड. दो इट वॉज वॉर टाइम, जबकि वो एक वॉर टाइम था जिस टाइम पे उन्हें टॉम मिला, एक अमेरिकन सोल्जर, एक एनिमी मिला. ऑल हैंड्स वर नीडेड एट द फ्रंट. द जनरल डिड नॉट सेंड डॉक्टर सडाओ विद द ट्रूप्स. अब वॉर चल रहा है जापान और अमेरिका का, कितने सारे जापनीज को डॉक्टर सडाओ जैसे अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, बट जो वहाँ के जनरल थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं डॉक्टर सडाओ कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज ही एक्चुअली हैड अ बिलीव ऑन डॉक्टर सडाओ कि डॉक्टर सडाओ तो किसी को भी ठीक कर सकते हैं, वो इतने नॉलेजेबल और एक्सपीरियंसड हैं. तो जो जनरल थे उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें पता था उनको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. सो जस्ट फॉर दिस रीज़न उन्होंने डॉक्टर सडाओ को कहीं नहीं जान दिया, बिल्कुल अपने पास रखा कि मेरे को जब भी नीड होगी तुम मेरा ऑपरेशन कर देना और मुझे ठीक कर देना, ठीक है. सडाओ टेल्स हिम अबाउट द एनिमी. अब जब सडाओ को पता था एनिमी का, कुछ तो करना पड़ेगा. सो जब डॉक्टर सडाओ और हेना ने उस एनिमी को अपने घर में जगह दी, तो तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था जैसे ही ये थोड़ा सा रिकवर करेगा, थोड़ा सा कॉन्शियस होगा, हम इसे हैंड ओवर कर देंगे पुलिस को या जनरल को इन्फॉर्म कर देंगे. तो ये तो ऑलरेडी प्लान था. तो प्लान के अकॉर्डिंग डॉक्टर सडाओ ने देखा टॉम की हेल्थ इम्प्रूव हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था. सो उन्होंने बोल दिया जनरल को कि ऐसे ऐसे है, मेरे घर में वैसे ऐसे एनिमी आया, मुझे उसे बचाना पड़ा क्योंकि मैं अपनी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूल सकता था, तो अब बताओ आप क्या करना है. बट ही डज नॉट टेक एनी एक्शन. बट जनरल ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, ही इज सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड फॉरगेट्स हिज प्रोमिसज. तो जनरल एक ऐसे कैरेक्टर है जो ज़्यादातर अपने प्रोमिस भूल जाते हैं. उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने डॉक्टर सडाओ को रिप्लाई में बोला था कि मैं प्राइवेट असिस्टेंट्स भेजूंगा, प्राइवेट गुंडे भेजूंगा, वो उस एनिमी को मार देंगे और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ना तुम पे ब्लेम आएगा ना तुम परेशान होगे, डोंट वरी. रात को जब सोने लगो अपने वो जिस रूम में टॉम सोता है उस रूम की जो मतलब जो बाहर का गेट है ना उसे खुला छोड़ देना, सब हो जाएगा. ओके ठीक है.
इस सब कहानी में ही एक्चुअली फॉरगेट्स द, अब जनरल की तबीयत चल रही थी खराब, जनरल को जैसे ही लगा कि जनरल की तबीयत खराब चल रही थी, तो जनरल इस सब में भूल ही गया कि उसने एक प्रॉमिस किया था डॉक्टर सडाओ को कि मैं बचाऊंगा तुम्हें, वो जो एनिमी है उसको, उसका काम मैं खत्म कर दूंगा, मेरे हाथ पे छोड़ दो। और अब डॉक्टर सडाओ इतना परेशान हो चुके थे, एवरी डे एवरी नाइट ही यूज टू वेट कि अब एसेसिन्स आएंगे उसे मार देंगे और कल सुबह तक कोई टेंशन नहीं रहेगी, और हर दिन देखते थे फिर से वो वही। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया दैट आई विल हेल्प दिस एनिमी टू एस्केप, एसेसिन्स तो आ नहीं रहे हैं, जनरल इस उतने कॉन्शियस ही नहीं है कि वो किसी चीज़ का रिप्लाई दे, सो बेटर इफ आई यू नो हेल्प हिम टू एस्केप, फिर वो जाने और उसका काम जाने, बचे आगे या ना बचे मुझे क्या, ठीक है। सो ही डिसाइडेड दिस, टेकिंग एडवांटेज ऑफ जनरल्स सेल्फ एब्जॉर्प्शन, जब जनरल की हेल्थ थोड़ी ठीक ठीक ही चल रही थी उस टाइप पे सडाउन ने उसका एडवांटेज लिया, सडाउन ने डिसाइड किया कि वो सोल्जर की लाइफ बचाएगा, और उसने सोल्जर को वो सारी बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ पास वाले आइलैंड पे भेज दिया जो उसको चाहिए थी, और उसको थोड़ी गाइडेंस दे दी कि वो वाली जब शिप आएगी तो उस पर बैठ जाना और ऐसे ऐसे कर लेना, थोड़ी गाइडेंस दे दी। अब वो कहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बचो या ना बचो, मैंने अपना काम कर दिया। डॉक्टर सडाओ हेल्प्स हिम टू एस्केप फ्रॉम हिज हाउस सेफली, बट उसके जाने के बाद भी, लाइक एनिमी के जाने के बाद भी कुछ दिन कभी कभार ऐसा हुआ दैट डॉक्टर सडाओ फेल्ट के कोई टॉर्च की मतलब सिंबल नहीं आया, वेदर ही इज़ फाइन और ही नीड्स फूड, कोई सिंबल आया ही नहीं, मतलब अब डॉक्टर सडाओ को पता ही नहीं है कि वो एनिमी जिसकी उन्होंने हेल्प करी, जिसकी जिसको उन्होंने एक्चुअली रिकवर करने में मदद करी, वो बचा भी या नहीं, ही डजंट नो। स्टोरी एंड्स देयर ओनली, अच्छाई की जीत हुई। चलिए नाउ कमिंग टू आर फेवरेट पोम, माय मदर एट 66, बहुत ही इजी बहुत ही क्यूट पोम है ये, जहाँ पे पोएटेस ट्रैवल कर रही है कोचिन एयरपोर्ट को अपनी मदर के साथ, मतलब वो अपनी मदर से मिलने गई थी और अब वापस वो एयरपोर्ट जा रही है इन हर कार। जब वो अपनी मदर को देखती है वो रियलाइज करती है दैट हाउ क्विकली हर मदर इज गेटिंग ओल्डर, उनकी मदर की एज कैसे बढ़ती जा रही है बाय द टाइम शी नोटिस्ड दैट। उनके दिमाग में वेरियस थॉट्स आ रहे थे, सैड थॉट्स दैट कितनी डल लग रहा है मेरी मदर का फेस, इट लुक्स लाइक के पता नहीं कितना टाइम है उनके पास, शी गॉट सो मेनी टेंशंस, ठीक है। सो लुक्स एट द वैन पेल फेस ऑफ हर डोजिंग मदर, वो मदर जिनकी एज बढ़ती जा रही है वो उसका उनका डल पेल फेस येलोइश फेस देख रही थी। द ओल्ड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न्स, जैसे उन्हें छोटे होते हुए लगता था अपनी मदर से कहीं दूर नहीं जाना, अगर वो कहीं दूर गई तो उन्हें लगता था कहीं मैं अलग ना हो जाऊँ अपनी मदर से, कहीं ऐसा ना हो कि हम कभी मिल ही ना पाए, वो जो फियर था छोटे से मन में वो दोबारा आ गया था कि मैं कहीं अपनी मदर को खो ना दूँ। फिर उन्होंने सोचा यार छोड़ो, मतलब अगर मैं इसी बारे में सोचती रही मैं और ज़्यादा परेशान होंगी और शायद से मैं को मतलब अपने घर ना जा पाऊँ वापस, काम पे ना जा पाऊँ, सो बेटर अगर मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूँ। सो वो ओल्ड एज डल पेल और वैन सिचुएशन से, उनके फेस से वो कहाँ देखा उन्होंने, बाहर। जब उन्होंने बाहर देखा उन्होंने देखा ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, वो जो खुश बच्चे हैं चिल्ला रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं खेल रहे हैं, शी एक्चुअली रियलाइज कि कैसे कितना कॉन्ट्रडिक्ट्री है ये सिचुएशन। ऑन ऑन दी वन साइड हर मदर जो इतनी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा डल हो चुकी है, लाइफलेस हो चुकी है, एंड देन आउटसाइड फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ दैट न्यू स्पार्क क्यूरोसिटी। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द ओल्ड फेमिलियर एक रिटर्न्स, और जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी चेक क्लियर किया वो जब अपनी मदर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे गई, शी स्टार्टेड फीलिंग अगेन के दिक्कत नहीं एक लाइक शी स्टार्टेड फीलिंग दैट पेन अगेन दैट शी माइट लूज हर मदर। उनको लगने लगा कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम आई और मुझे मदर मिली नहीं तो, बट देन शी थॉट कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, अगर मैं उदास रही तो शायद से मेरी मदर भी उदास हो जाए, सो द बेटर आइडिया इज टू स्माइल एंड हाइड माई पेन। सो शी ट्राइज टू हाइड हर इमोशंस
बाय स्माइलिंग, और उन्होंने लास्ट में एक स्टेटमेंट बोली, सी यू सून अम्मा. सी यू सून अम्मा वॉज फुल ऑफ होप कि वो अपनी मदर को दोबारा मिलेंगी. बिड्स गुड बाय टू हर मदर विद अ होप टू टू सी हर अगेन. चलिए, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, लेट्स डू इट्स समरी. चलिए, ओके, स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम ऑफ टायरोल्स वैली ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एल्पाइन प्रोविंस. अब अगर आपने ये नहीं पढ़ी ना पोएम, बच्चों एक बार ये वाले पोएम के क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, क्योंकि इस पोएम में कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन है. जैसे एक देर वॉज वन टॉल हाइटेड गर्ल, उसके बारे में गिवन है. सो वो सब अगर आप पढ़ लोगे ध्यान से तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. राइट, यू विल बी एबल टू डू एम सी क्यूज इन योर एग्जाम ईजीली. बाकी मैं आपको अभी एक क्विक रिकैप दे रही हूँ कि पोम में क्या है. द चिल्ड्रन आर इन वेरी मिजरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर पोवर्टी एंड इलिटरेसी. अब वो जो स्लम स्कूल के बच्चे हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, पोवर्टी की वजह से और इलिटरेसी की वजह से. कोई पढ़ा लिखा नहीं है और इतने गरीब हैं कि पढ़ भी रहे हैं तो अच्छे से कुछ नहीं पढ़ रहे, सब कुछ मतलब ठीक ठीक चल रहा है ना. यस, दे आर डिप्रेस्ड. वो बच्चे डिप्रेस्ड हैं, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से, उनमें कोई एनर्जी नहीं है जो यू नो छोटे छोटे बच्चों में होती है. देयर पेल फेसेस, उनके वो पीले पड़े हुए फेस एक्सप्रेस सैडनेस. क्या दिखाते हैं? सैडनेस दिखाते हैं, दुख दिखाते हैं, खुश नहीं है वो. बहुत ज्यादा परेशान है वो अपनी लाइफ से और जो भी उनके साथ चल रहा है उस सब से. दे आर नॉट हैप्पी, दे लुक लीन स्किनी एंड बोनी. स्किनी है मतलब बिल्कुल पतले पतले, बोनी है. उनकी आईज में वो एनर्जी, वो लाइफ ही नहीं है, जीने की ड्रीम्स नहीं है कुछ. दे आर लाइक रूटलेस वीड्स. रूटलेस वीड्स पता है क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे अगर पानी आए तो वो अपने आप आ जाते हैं. तो उनको यहाँ पे ऑथर ने, उन बच्चों को यहाँ पे ऑथर ने रूटलेस वीड्स के साथ कनेक्ट किया है कि ये उन रूटलेस वीड्स की तरह है दैट कांट रिजिस्ट एनी फॉर देयर एग्जिस्टेंस. मतलब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो हैं या नहीं है, किसी के लिए मैटर नहीं करता. दे आर फिजिकली वेरी वीक. वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हैं, अंडर नरिश्ड है, मेल न्यूट्रिशन है. स्पेंडर वॉइसेस हिज कंसर्न. तो पहले कुछ पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में स्पेंडर एक्सप्लेन करता है कि क्या विजन है क्लास की, बच्चे कैसे हैं, क्या है सब कुछ. सेकंड स्टेंजा में वो डिस्क्राइब करता है स्कूल कंडीशन के बारे में, कैसे उनके जो आसपास के मैसेज हैं उनसे कनेक्टेड ही नहीं है. लाइक लुकिंग एट शेक्सपियर पिक्चर, वो कहता है जो शेक्सपियर जिस वर्ल्ड को दिखाता है वो तो इन स्लम बच्चों ने देखा ही नहीं है, तो इन्हें क्या पता होगा वो वर्ल्ड है. इनके लिए तो बस शेक्सपियर जो बोलता है वो स्टोरीज में ही होता है, वो रियलिटी में नहीं होता. राइट, सो अब स्पेंडर यहाँ पे अपना कंसर्न शो करते हैं. ही वॉन्ट्स दोज चिल्ड्रन टू लिव देयर लाइफ हैप्पीली एंड एक्चुअली टू कम आउट ऑफ यू नो दोज स्लम्स. स्पेंडर वॉइसेस इज कंसर्न फॉर दीज चिल्ड्रन हु लिव ऑल देयर लाइफ इन स्लम्स. ये सारे बच्चों के लिए वो अपनी वॉइस रेज करता है. ये सारे बच्चे जो स्लम में रहते हैं, जिनको शायद से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती एंजॉय करने की रियल लाइफ ब्लेसिंग की. ही मेक्स अ फ्रेंटिक अपील टू द एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शंस. वो एक अपील, एक रिक्वेस्ट करता है. उन सारे एजुकेटेड और रिच सेक्शन वाले सोसाइटी से दैट हमें इन बच्चों को चांस देना चाहिए अपनी लाइफ सुधारने का, अपनी लाइफ को बेटर करने का. राइट, अ लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन थ्रू एजुकेशन इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी. वो जो इनइक्वालिटी है, वो जो असामान्यता है, मतलब जो इनइक्वालिटी बनी हुई है कि रिच बच्चे की लाइफ ऐसे और स्लम के जो स्कूल्स हैं, क्लासरूम्स हैं, वहाँ के बच्चे ऐसी लाइफ जी रहे हैं,
उनकी आईज में ड्रीम्स ही नहीं है, वो जो ड्रीम्स है वो भी फॉगी हैं, वो भी ब्लर हैं, दे कांट सी इवन द ड्रीम प्रॉपरली, मतलब उन्हें उनको भरोसा ही नहीं है कि वो जो देखेंगे वो कर सकते हैं, सिंपल है ना। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस लास्ट पैराग्राफ में स्पेंडर इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट एंड ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए और इनको लाइफ का बेटर एक्सपीरियंस देना चाहिए। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पोम, कीपिंग क्वाइट। द पोइम टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। सो यहाँ पे पोएट बात करता है इम्पोर्टेंस की, कि कितनी इम्पोर्टेंस है शांति से अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब रियलाइज करना कि क्या चल रहा है, क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट, इट विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड देम सेल्स। ये डेफिनेटली हेल्प करेगा लोगों को अपने आप को समझने में एंड विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल लव एंड रिलेशनशिप। जब मैं अपने आप को इतने अच्छे से समझूंगी, मैं अपने आसपास के दो लोगों को भी समझूंगी और उनकी दो प्रॉब्लम्स को भी समझूंगी एंड आई विल एक्चुअली क्रिएट म्यूचुअल लव एंड दैट रिलेशनशिप वेर एवरीबडी इज लिविंग हैप्पीली और मे बी नॉट फाइटिंग एट ऑल, है ना। बाई क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन द पॉइंट डजेंट मीन टोटल इनएक्टिविटी। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैंने हिलना ही नहीं है, मैंने सांस नहीं लेनी, ऐसा नहीं है। इंस्टेड ही वॉन्ट्स फुल इन्वॉल्वमेंट विद लाइफ, ही वॉन्ट्स अस टू रियलाइज हाउ लकी वी आर दैट वी गॉट दिस लाइफ, ही वॉन्ट्स अस टू रियलाइज एंड गिव रिस्पेक्ट टू द नेचर दैट वी आर गिफ्टेड विद, टू द पीपल हु आर अराउंड अस, यू नो, हु आर डूइंग मे बी सो मैनी थिंग्स फॉर आर लाइफ। मतलब हमें नहीं पता, इनडायरेक्टली हम जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसके पीछे कितने लोगों की कितनी मेहनत जुड़ी हुई है, राइट। और ये हम रियलाइज ही नहीं करते, वी एक्चुअली टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। हमारे लिए तो हमारे पास है तो सब कुछ है, राइट। बट द पॉइंट इज कि हमें अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके सोचना चाहिए, क्या क्या दे दिया यार, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेट्स रिस्पेक्ट। लड़ते नहीं है, मिलके रहते हैं। दैट्स व्हाई सेइंग इट विल एक्चुअली हेल्प टू क्रिएट फीलिंग ऑफ म्यूचुअल लव एंड एंड रिलेशनशिप। द रीजन फॉर द डिस्कार्ड एंड वॉर इन द इज द इम्बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर। सिंपल है, जो मेजर रीजन है प्रॉब्लम्स के अकर होने का या वॉर क्रिएट होने का, वो क्या है? वो इम्बैलेंस है मैन और नेचर में। जब मैन और नेचर की नहीं बनती तो गड़बड़ होती है, क्योंकि हमें वो ब्यूटीफुल प्लेस से फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं फर्क पड़ता किसी ने कितनी मेहनत करी है उस सुंदर जगह को मेंटेन करने के लिए। तो हमने क्या करा, हम वहाँ गए, हमने कुछ खाया और हमने वहीं फेंक दिया, बिकॉज वी डोंट केयर, है ना। दैट इज द पॉइंट, वी आर गेटिंग अपार्ट फ्रॉम द नेचर। अगर हम नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे सो वी कैन एक्चुअली वी कैन नॉट बी अलाइव। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन विल एस्टैब्लिश अ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल यूनियन। एक एक एकाग्रता आएगी हमारे में, हम जुड़ेंगे एक दूसरे से, कनेक्ट होंगे, एक यूनिटी बनेगी हमारी। दैट इज मोस्ट डिजायरेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स। अगर हम चाहते हैं हमारा अर्थ सर्वाइव करे लंबे टाइम तक, हम सर्वाइव करें फॉर अ लॉन्गर पीरियड, सो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, वी नीड टू क्वाइट आर सेल्फ फॉर अ मोमेंट, थिंक, इंट्रोस्पेक्ट, रियलाइज वॉट वी डू, थिंक ऑफ द रिजल्ट्स दैट इट क्रिएट एंड एवरीथिंग अराउंड। दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट इन द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप दिस क्विक वीडियो विल हेल्प यू टू वेरी क्विकली अंडरस्टैंड द स्टोरीज एंड द पोम्स ऑफ द लेसन। आई विल meet you maybe I may meet you very soon in upcoming videos. Till then, please take care of yourself. Tada toodles, sayonara.